तो कौन हुआ घर से बेघर? पहले ही हफ्ते किसका एलिमिनेशन हुआ है, चलिए उस पर बात करते हैं। फिलहाल पहले ही हफ्ते पूरे 3 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए, मनारा, अभिषेक और नवीद सोल। सोले नाम है सोल। फिलहाल यहाँ पर ये तीनों लोग नॉमिनेट हो गए। अब नॉमिनेट हुए तो जो ऑडियंस है, जो कि पोल्स वगैरह होते हैं, जो वोटिंग ट्रेंड्स आप देखते हैं, उसके हिसाब से सबसे कम जो वोट्स है वो नवीद को ही आ रहे थे, तो हाई चांसेस थे इनके घर से बेघर होने के। साथ ही मुनावर फारूकी ने भी एक बात बोली थी चिढ़ाने वाली, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक ने कहा था कि हो सकता है कि मतलब पहले हफ्ते नो एलिमिनेशन वीक रखा जाए, तो उसके बाद यहाँ पर मुनावर ने कहा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बिग बॉस को छुड़ाऊंगा कि आप बोल रहे हो बदल गए, तो वही घिसा पिटा नो एलिमिनेशन। तो अब यहाँ पर मुनावर को चिढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि इस हफ्ते कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन ना एलिमिनेशन होने से मैं खुश हूँ, क्योंकि पहले ही हफ्ते यहाँ पर नवीद को निकाल दिया जाता है। एक बंदा इतनी दूर से आया है बिग बॉस जैसे शो में, उसकी भी कई सारी ख्वाहिशें होंगी। यहाँ पर गलती मैं बार बार बोलती हूँ कि नवीद को लेकर क्या है, मेकर्स की पूरी गलती, इसमें नवीद की कोई भी गलती नहीं। उसको मौका मिला बिग बॉस जैसे शो में आने का, वो आ गया, लेकिन यहाँ पर मेकर्स बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। टीआरपी के लिए ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं जो कि समझ ही नहीं पाते हैं लैंग्वेज को, फिर यहाँ पर लोग उनको टारगेट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं और फिर उनको जल्द से जल्द शो से निकाल दिया जाता है। फिलहाल इस हफ्ते कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है और यहाँ पर मुनावर को चढ़ाने का मौका मिल गया है बिग बॉस को। क्या कहना चाहेंगे, ये जो नो एलिमिनेशन है, आप इससे खुश हैं या फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।